तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे लौकी के प्लांट में। तो देखिए, ये मैंने लौकी का प्लांट अपनी बैलकनी में लगाया है जहाँ मुझे 5 और 6 घंटे की धूप आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। सब लोग कहते हैं कि सनलाइट के बारे में क्यों कहते रहते हो, मगर अगर सनलाइट ही नहीं सफिशिएंट होगी तो कोई भी पौधा आपका ग्रो नहीं करेगा, चाहे जितनी भी फर्टिलाइज़र डालो, जो भी कर लो। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि आप जब नए प्लांट लगाने वाले हैं, चाहे वो सब्जियों के हो या चाहे फ्लावर के हो, मगर ये चेक करना है कि उस प्लांट को कितनी सनलाइट चाहिए और आपके यहाँ पे कितनी सनलाइट आती है, तभी वो प्लांट आप लगा सकते हो। तो देखिए, ये मैंने लौकी का प्लांट लगाया है और लौकी और तुरई दोनों के मैंने प्लांट लगाए हैं, और सीड को कैसे ग्रो करते हैं वो वीडियो भी मैंने चैनल पे शेयर किया है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं मेन बात करने वाली हूँ कि अगर इस तरह आपके लौकी के प्लांट में रूट्स निकलते हैं, ये रूट्स होते हैं, तो आपको उस पर लेयरिंग करनी होगी, यानी कि उस पर एक लेयर चढ़ाना होगा फर्टिलाइज़र और मिट्टी का, तभी ये पौधा आपका अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि ये रूट्स जो अगर बाहर रहेगी तो फिर ये पौधे को ग्रोथ नहीं देगी अच्छी तरह से, और आपकी पौधे में लौकी नहीं आएगी। तो इसीलिए जब भी आपके पौधे में इस तरह से मैंने जो दिखाया वहाँ पे रूट्स निकले, तो आपको क्या फीलिंग करनी है वो मैं अभी दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने लौकी में 3G कटिंग किया था, तो उसके बाद कितनी सारी इसमें ब्रांचेज आ गई है। तो दोस्तों जितनी सारी ब्रांचेज निकलेंगी उतने ही हमारे फल ज़्यादा आएंगे। तो ये मेरा दूसरा प्लांट है लौकी का, इसमें मैंने 2 पौधे लगाए हैं, दोनों को इस तरह से मैंने नेट पे चढ़ाया है, रस्सी बांध ली है, और इस तरह से ये अपने आप चढ़ते रहते हैं और ग्रो करते हैं। देखिए, ये मैंने 1G कटिंग किया है, यानी कि पहली जो ब्रांच है उसको कट कर लिया है। अब इस तरह से साइड में से देखिए ब्रांचेज निकलेगी, फिर मैं उसको भी 5-6 पत्तियों के बाद कट कर दूंगी, तो उसमें से 3rd ब्रांच निकलेगी और उसमें हमारे फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, और फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आने का मतलब है लौकी भी हमारी ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों अब हम फीलिंग की बात करें तो हम उसमें डालने वाले हैं थोड़ी सी मिट्टी, और फिर इसमें हम डालेंगे नीम खली, मस्टर्ड खली, और सबसे ज़्यादा तो हम उसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह हम ये 4 फर्टिलाइज़र को मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने नीम खली मिलाई है, फिर मैं अब इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। तो जितनी आपने मिट्टी ली है उतनी ही आपको वर्मी कंपोस्ट भी लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से हम अलग अलग फर्टिलाइज़र को मिक्स करके हमारी लौकी में जो रूट्स निकली है उसके ऊपर तक हम इसको फील कर देंगे, यानी कि एक लेयर बना देंगे पूरा, ताकि हमारे रूट्स मिट्टी में दबे रहेंगे तो उससे पोषक तत्व लेके वो अपना ग्रोथ भी डबल या ट्रिपल करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं भूल गई, इसमें मैंने रॉक सल्फ फॉस्फेट भी मिलाया है, जो कि मैंने मिट्टी समय करते वक्त बोन मील नहीं मिलाया था, इसलिए मैं अभी इसको डाल रही हूँ। अगर आपने मिट्टी रेडी करते समय बोन मील डाला है तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं डाला था, इसीलिए अभी मैं इसको इस तरह से डालूंगी और रिफिल करने में, ताकि पौधा मेरे अच्छे से इसमें से फॉस्फरस और कैल्शियम भी ले पाए। तो देखिए, ये रूट निकला है, यहाँ से ऊपर तक हमें मिट्टी की एक लेयर करनी है। तो आप जब भी प्लांट करें तब थोड़ी सी जगह ज़्यादा तो खाली रखिएगा, क्योंकि इस तरह हमें इसको फील करना पड़ता है। कोई भी सब्जी वाले पौधे हैं तो उसमें रूट निकलती है, तो हमें ऊपर से एक लेयर डालना पड़ता है। तो जब आप जिस प्लांट में पौधे को ग्रो करते हो सीडलिंग के टाइम, तभी आपको इतनी जगह रखनी है कि हम और एक लेयर उसमें कर सके। तो देखिए, मैंने मिट्टी का इस तरह से पूरा जो रूट निकला था वहाँ तक मैंने मिट्टी डाल दी है और ऊपर एक लेयर कर दिया है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें पानी डालना है, और पानी डालते समय आपको चेक करना है कि जो मिट्टी हमने डाली है नई नई, वो रूट से निकले ना, यानी कि रूट हमारा एक्सपोज ना हो जाए, ढका ही रहे, इस तरह से पानी आपको केयरफुली डालना है, बस और कुछ नहीं करना। अगर आप इस तरह से रिफिल कर लेंगे
यानी कि फीलिंग कर लेंगे ऊपर से, तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।